कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दर्द अब खुलकर सामने आ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार से राहुल हताश हो चुके हैं। उन्होंने कई बार अपने इस्तीफे की पेशकश भी की है और वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनाने के बाद भी अपने फैसले पर अडिग हैं। अब राहुल ने खुलकर अपनी हताशा का इजहार किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे इस्तीफे के बाद किसी मुख्यमंत्री, महासचिव या प्रदेश अध्यक्षों ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया। दरअसल यूथ कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के घर के बाहर एकत्रित हुए थे और राहुल गांधी से इस्तीफा न देने की गुहार लगा रहे थे। तभी राहुल गांधी ने घर के बाहर बैठे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को अपने घर पर बुलाया और ये बातें कही। सूत्रों की माने तो बैठक में जब यूथ कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि ये सामूहिक हार है और सबकी जिम्मेदारी बनती है तो सिर्फ आपका इस्तीफा ही क्यों? इस पर राहुल गांधी भावुक हो गए और उन्होंने मार्मिक जवाब देते हुए कहा कि मुझे इसी बात का दुख है कि मेरे इस्तीफे के बाद किसी मुख्यमंत्री, महासचिव या प्रदेश अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया। कहा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हुए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वह आज नहीं तो कल अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। राहुल ने साफ तौर पर कहा कि अब मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहूंगा और हाँ, आप लोग भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, यहीं रहूंगा और मजबूती से आप सबकी लड़ाई लड़ूंगा। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।